दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में हम न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे W.K. विमजेट और मॉनरॉय बीयर्ड्सले को। मॉनरॉय बीयर्ड्सले बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, ये बहुत ही फेमस क्रिटिक रहे हैं। ये अमेरिकन क्रिटिक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिटिश क्रिटिक आपको अलग से याद करने हैं और अमेरिकन अलग से। आज की वीडियो में हम W.K. विमजेट और मॉनरॉय बीयर्ड्सले इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इन पिछले 3-4 सालों से, नेट का कोई भी एग्ज़ाम आप देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें W.K. विमजेट और मॉनरॉय बीयर्ड्सले से क्वेश्चन ना आया हो। और स्पेशली मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन्होंने एक बुक लिखी थी द वर्बल आइकन के नाम से, उसमें दो ऐसे हैं द अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, कभी इफेक्टिव फैलेसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है, कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन रहा है, कभी इंटेंशनल फैलेसी पे। तो ठीक है, सबसे पहले इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, दोनों ने कोलेबरेशन में लिखा था द वर्बल आइकन, द वर्बल आइकन, जिसका सबटाइटल है स्टडी इन मीनिंग ऑफ पोएट्री, स्टडी इन मीनिंग ऑफ पोएट्री। इसमें काफ़ी सारे एसेज थे जिनको सीरियल में पब्लिश किया गया था 1941 से लेकर 52 तक, ठीक है। इसकी कंप्लीट जो पब्लिकेशन आई थी 1954 में इसको पब्लिश किया गया था। इसमें दो ऐसे हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है द इंटेंशनल फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है, ये 1946 में पब्लिश किया गया था, ये ऐसे वर्बल आइकन में। इंटेंशनल फैलेसी का मतलब होता है किसी भी तरह की गलती, ठीक है, किसी भी तरह की गलती होती है फैलेसी। और इंटेंशनल मतलब इंटेंशन, राइटर की इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या गलती करते हैं। देखो जो ये न्यू क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक थे, इनका मानना था कि क्लोज रीडिंग करनी है। बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि वो मानते थे कि किसी भी टेक्स्ट को अगर अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है, पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है, ऑथर की बायोग्राफी पे नहीं जाना है, इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी। तो यहाँ भी वो यही बात कर रहे हैं, इंटेंशनल फैलेसी, ये गलती हमने नहीं करनी। राइटर की इंटेंशन हम नहीं जानेंगे कि राइटर की इंटेंशन क्या है, राइटर की बायोग्राफी क्या है, राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे तो हम मीनिंग अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक तरह की फैलेसी होगी अगर हम ऑथर की इंटेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है। और दूसरा है द अफेक्टिव फैलेसी, ये भी एक तरह की फैलेसी है, इसको 1949 में पब्लिश किया गया था। और अफेक्ट क्या हुआ है, जो भी टेक्स्ट रीडर पढ़ रहा है उसका रीडर पे इफेक्ट क्या हुआ है, उसके इमोशंस कैसे अफेक्ट हुए हैं, इस चीज़ को लेकर भी अगर मीनिंग निकालेंगे तो भी ये एक फैलेसी होगी। क्योंकि देखो अगर हम सीधा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट हमें समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, ऑथर की बायोग्राफी में घुस जाएंगे, हम देखेंगे कि ऑथर सैड लिख रहा है तो ये सैड क्यों लिख रहा है, हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ें हम फिर उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो रीडर जो होते हैं, रीडर्स बहुत सारे होते हैं एक टेक्स्ट को पढ़ने वाले, तो अगर वो अपने अपने अफेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से मीनिंग निकालेंगे, अपने इमोशंस को लगाकर मीनिंग निकालेंगे, तो वेरियस इंटरप्रिटेशन होगी, वेरियस रीडर्स वेरियस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बहुत सारे रीडर होंगे तो बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे, राइटर क्या कहना चाहता है वो हम समझ नहीं पाएंगे, ये है अफेक्टिव फैलेसी, ये भी एक तरह की गलती होगी। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है, ऐसा बोला है W.K. विमजेट और मॉनरॉय
बीएड्स लेनी, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, पेपर में इनकी डेफिनेशन आती रहती है या डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इंटेंशनल फैलेसी को कॉइन किसने किया है, इफेक्टिव फैलेसी को कॉइन किसने किया है। सो रिमेंबर दीज टू राइटर, डब्ल्यू के विमजेट और मोनरॉय बीएड्स ले। उसके बाद विमजेट का एक और कॉन्सेप्ट है कंक्रीट यूनिवर्सल। कंक्रीट यूनिवर्सल, देखो कंक्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक और यूनिवर्सल का मतलब होता है किसी ओवरऑल चीज के बारे में बात करना, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक किसी एक चीज के बारे में बात करना, ये कंक्रीट होता है। तो इसमें इसने विमजेट ने क्या बोला है कि हमें किसी भी टेक्स्ट में ओवरऑल चीज़ें देखने के साथ साथ कंक्रीट चीज़ों पे भी ध्यान देना है, स्पेसिफिक चीज़ों पे भी ध्यान देना है, ताकि मीनिंग को हम अच्छे से डिराइव कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 लोग खड़े हैं, तो 100 लोगों में से हम अपनी अलग से स्पेसिफिक कोई भी, हमने किसी एक बंदे को अगर स्पेसिफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो हम उसके किसी कलर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, या उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं उसके बारे में भी स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि उन लोगों में से जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट या ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है वो हमारा बंदा है। तो इस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी एक को, तो उस एक की भी इम्पोर्टेंस रहती है, ओवरऑल की तो होती ही होती है। तो हमें टेक्स्ट में हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, कंक्रीट से लेकर यूनिवर्सल तक। ये है कंक्रीट और यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट डब्ल्यू के विमजेट का। अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है दोनों के उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले विलियम बीएड्सले की बात करें तो प्रैक्टिकल लॉजिक लिखा है, एक प्रैक्टिकल लॉजिक 1950 में, आपको डेट भी इसकी याद करनी है। और उसके बाद एस्थेटिक है, एस्थेटिक आया था 1958 में, और एक फिर एस्थेटिक्स के नाम से था, एस्थेटिक्स जिसका सबटाइटल है ए शॉर्ट हिस्ट्री। ए शॉर्ट हिस्ट्री ये 1966 में है, ठीक है। और इसमें एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की थ्योरी दी है इसने, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी। वैसे इसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो थ्योरी है इसके डेवलपर माने जाते हैं जॉन डेवी, फादर ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जॉन डेवी माने जाते हैं फादर ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब इस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी में इसने क्या बताया है कि हम अपने कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि कोई अगर सैड है, ठीक है, ये एक तरह से जो पोइट्री में जो कोज होते हैं, यानी कि जो राइटर बोलना चाहता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट, एक आर्ट का जो पीस ऑफ वर्क होता है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होता है। पोइट अपने एक्सप्रेशन उसके अंदर डालता है, ठीक है, वो किस तरह के इमोशंस को फील कर रहा है वो पोइट्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स का एक वर्क है ओड ऑन ग्रेसियन आर्न, ठीक है, तो वो ग्रेसियन आर्न की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो ग्रेसियन एक पोइट्री के माध्यम से अपने रीडर्स को बताना चाहता है कि एक ग्रेसियन आर्न जो है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना खूबसूरत होता है। पहले देखो हमें ग्रेसियन आर्न के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, हमें कहाँ से पता चला, जॉन कीट्स की जब वो पोइट हमने पढ़ी ओड ऑन ग्रेसियन आर्न, तब हमें पता चला कि इतना सुंदर होता है, उसकी ब्यूटी को इसने डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने। तो हमें जॉन कीट्स के इस वर्क के माध्यम से हमें पता चलता है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम अपने खुशी या दुख को जाहिर करते हैं, जैसे गिटार बजाना या सैड म्यूजिक सुनना, उसके माध्यम से हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये होती है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी, ठीक है, ये दी है एस्थेटिक्स इस बुक में मोनरॉय बीएड्सले ने, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू के विमजेट के बुक्स के बारे में। कई बार क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं या डायरेक्ट भी आते हैं। विमजेट ने लिखा है हेटफुल कॉन्ट्रेरीज, हेटफुल कॉन्ट्रेरीज, इसका सबटाइटल भी है, एक सबटाइटल लिख लो, स्टडी इन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म, स्टडी इन
लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। इसको लिखा था, इसकी डेट है 1965 डेट है इसकी। उसके बाद है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म सब टाइटल है ए शॉर्ट फिक्शन। ये आया था 1957 में। और इसके बारे में एक चीज और याद रखना कि इसको लिखा है कोलेब्रेशन में क्लिंट ब्रुक्स के साथ, जो हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था, क्लिंट ब्रुक्स का द वेल रोट अर्न और हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ठीक है, ये वो वाला क्लिंट ब्रुक्स है। तो इसको ध्यान रखना कि ये कोलेब्रेशन में 1957 में ये बुक लिखी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डब्ल्यू के विमजेट ने किसके साथ, क्लिंट ब्रुक्स के साथ। सो इनके बारे में बस इतना याद कर लेना, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा और आप इस इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करके पेपर में ही जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।